राजा जनक के यज्ञ में धनुष भंग हो चुका है। परशुराम वहां का दृश्य देख क्रोधित हैं। उनके वचनानुसार जिसने शिव का यह धनुष तोड़ा है वो सहस्रबाहु के समान उनका दुश्मन है। परशुराम निरे मुनि और बाल ब्रह्मचारी ही नहीं अत्यंत क्रोधी हैं और विश्व भर में क्षत्रिय कुलनाशक के रूप में विख्यात हैं। अपने भुजबल से उन्होंने कई बार क्षत्रिय वंश का नाश करके पृथ्वी ब्राह्मणों को दे डाली है। क्रोध की चरम सीमा स्वरूप उन्होंने लक्ष्मण को अपना विश्व विख्यात फरसा दिखाया, किंतु लक्ष्मण कौतुकवश खेल ही खेल में मुनि के कुपित वचन सुनते जा रहे हैं। मुनि को भृगुवंशी समझ और यज्ञोपवीत देखकर सब कुछ सहते जा रहे हैं। विदित सकल संसार लखन कहा हसी हमरे जाना सुनहु देव सब धनुष समाना काछति लाभु जून धनु तोरे देखा राम नयन के भोरे छुबत टूट रघुपति हुन दोसु मुनि बिनु काज करिय कतरोसु बोले चितई परसु की ओरा रे सठ सुने ही सुभाउन मोरा बालक बोली बधऊ नहीं तो ही केवल मुनि जड़ जान ही मोही बाल ब्रह्मचारी अति कोही विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही भुज बल भूमि भूप बिनु कीनी विपुल बार मही देवन दीनी सहस बाहु भुज छेद निहारा परसु बिलोक महीप कुमारा मातु पितहि जनि सोच बस करसि महीस किशोर गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर बिहसि लखनु बोले मृदुबानी अहो मुनीसु महाभटमानी पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू चहत उड़ावन फूंकी पहारू यहाँ
कुम्हण बतिया को नाही, जेतर जनी देखी मर जाही, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, भिगु सुत समुझी जने उबिलोगी, जो कछु कहु सहूं रिसरोगी, सुर मही सुर हरि जन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बधे पापू अपकी रतिहारे, मारत हूँ पाप परिय तुम्हारे, कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। जो बिलो की अनुचित कहे क्षमहु महामुनि धीर, सुनि सरोष भृगुवंशमणि, बोले गिरा गभीर। कौशिक सुनहु मन यहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल कालकु, भानु बंस राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु, काल कवलु होई छन माही, कहूं पुकारी खोरी मोही नाही, तुम हट कहू जो चहु उबारा, कहीं प्रताप बलु रोषु हमारा। लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा, अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी, नहीं संतोषु तपुनि कछु कहु, जनिरिस रोकि दुसह दुख सहु, वीर प्रति तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। तुम तो कालु हाक जनु लावा,
पार पार मोही लागी बोलावा, सुनत लखन के वचन कठोरा, परस सुधार धरे उकर घोरा। अब जन दे दोस मोही लोगू, कटु बादी बालक बद जोगू, बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब यह मर निहार भासाचा। कौशिक कहा क्षमीय अपराधो, बाल दोष गुण गनहीन साधु। खर कुठार में अकरुन को ही आगे अपराधी गुरु द्रोही। उतर देत छोड़ऊं पिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। नत एही काटी कुठार कठोरे, गुरही उरिन हो देऊं श्रम थोरे। गाधी सुनु कह हृदय हसी, मुनि ही हरियर सूझ। अयमय खाणन उखमय, अजहु न बूझ अबूझ। कहे उलखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पितहि उरिन भयनी के, गुर रिनु रहा सोचु बड़ जी के। सोचनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़ पाढ़ा। अब आनिय व्यवहरिया बोली, तुरत देऊ मैं थैली खोली। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगु पर परसु देखाब हुमोही, विप्र विचारी बचऊ नृपद्रोही। मिले न कबहु सुभटरन गाढ़े, विज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखनु ने वारे। लखन उतर आहुति सरिस, भृगु बर को पुकृसानु। बढ़त देखी जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। नाथ करहु बालक पर छोहु, सूध दूध मुख करियन कोहु। जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना,
तौ की बराबरी करत आयाना। जो लरिका कछु अचगरी करही गुर पितु माओ तुमोद मन भरही। करिय कृपा शिशु सेवक जानी तुम्ह समसील धीर मुनि ज्ञानी। राम बचन सुनी कछु कजुड़ाने कही कछु लखनु बहुरी मुस्काने। हसत देखी नख शिखरिस व्यापी राम तोर भ्राता बड़ पापी। गौर शरीर श्याम मन माही काल फूट मुख पय मुख नाही। सहज टेढ़ अनुहरिन तोही नीचु मीचु सम देख न मोही। सुनहु मुनि क्रोध पाप कर मूल जेहि बस जन अनुचित करही चरही विश्व प्रतिकूल। मैं तुम्हार अनुचर मुनिराया परिहरि कोप करे अब दाया। टूट चाप नहीं जुरी रिसाने बैठिय हो इही पाय पिराने। जो अति प्रिय तो करिए उपाय जोरिए को बड़ गुनी बोलाए। बोलत लख नहीं जन कुटराहि मस्त करहूँ अनुचित फलनाय। थर थर काप ही पूर नर नारी छोट कुमार कोट बड़ भारी। भृगुपति सुनी सुनी निर्भय बानी रिसतन जरई होई बलहानी। बोले राम ही ते बचऊ बिचारी बंधु लघु तोरा। मनु मलीन तनु सुंदर कैसे बिशरस भरा कनक घटु जैसे। सुनी लक्ष्मी मन बिहसे बहुरी नयन तेरे रे राम। गुर समीप गवने सकुचि परिहरि बानी बाम। अति विनीत मृदु शीतल बानी बोले राम जोरी जुग पानी। सुनहु नाथ तुम्ह सहज सुजाना बालक बचनु करिय नहीं काना। बर रे बालकु एक सुभाव इन्हहिं संत विदुषई काऊ।
ते ही नाही कछु काज बिगारा अपराधी मैं नाथ तुम्हारा कृपा को कुबधु बंधप गोसाई मो पर करी दास की नाई कहीं बेगी जेही विधिर सजाए मुनि नायक सोई करो पाई कहां मुनि राम जाई रिस कैसे अजहु अनुज तव चितव अनैसे एही के कंठ कुठारु न दीना तो मैं काह को पुकरी कीना गर्भ स्रवही अवनी प्रवनी सुनी कुठार गति घोर परसु अछत देखूं जियत बैरी भूप किशोर बहिन हाथ दहई रिस छाती भाकुठारु कुंठित नृप घाती भयउ बाम विधि फिरे सुभाउ मोरे हृदय कृपा कसिकाउ आजु दया दुख दुसह सहावा सुनि सौमित्र बिहसी सिरुनावा बाउ कृपा मूरति अनुकूला बोलत बचन झरत जनुकूला जौ पे कृपा जरी मुनि गाता क्रोध भय तनु राख पिधाता देखु जनक हठि बालकु एहु कीन चहत जड़ जमपुर गेहु बेग करहूं किन आखिन ओटा देखत छोट खोट नृप ढोटा बिहसे लखन कहा मन माही मुदे आखि कतहूं को नाही गरीब को सस्ती दवाई मिले गरीब को दवाई के बिना मरने की नौबत ना आए इसलिए पूरे देश में जन औषधि भंडारों का अभियान चलाया है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं जहां पर उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाइयां बाजार मूल्य से 90% तक की कम कीमत पर उपलब्ध हैं। जन औषधि का निशान है उच्च गुणवत्ता की पहचान इसे देखकर ही दवाई खरीदें। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल ऐप जन औषधि सुगम को डाउनलोड करें या हमारे टोल फ्री नंबर 1800-180-8080 पर कॉल करें। श्रीराम के विनय भरे मधुर वचन सुनकर भी ऋषि परशुराम का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्हें लगा कि शिव का धनुष तोड़ने का अपराधी होकर भी वो उन्हें ही ज्ञान सिखा रहे हैं। उनकी ये धारणा भी पक्की हो गई कि राम की सहमति से ही उनका छोटा भाई कटु वचन बोल रहा है। श्रीराम ने मन ही मन में सोचा कि दोष तो लक्ष्मण का है
और मुनि का क्रोध अब उनकी ओर बढ़ रहा है। सच ही तो है कि कभी कभी सीधापन भी भ्रामक होता है, तभी तो लोग टेढ़े लोगों की वंदना करते हैं। किंतु प्रकट रूप में राम ने परशुराम के कुठार के आगे अपना सिर झुका दिया। बोले, स्वामी, जिस प्रकार भी आपका क्रोध शांत हो आप वही कीजिए। भला स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा? सच तो यह है कि मुनिवर का वीरों का सा वेश देखकर लक्ष्मण ने कुछ कह डाला। वैसे वास्तव में दोष लक्ष्मण का भी नहीं, उसने उनका नाम तो सुना था किंतु पहचानने में भूल हो गई। यदि वो मुनि के वेश में आते तो लक्ष्मण ने उनकी चरण धूलि ले ली होती। परशुराम तब राम प्रति बोले उर अति क्रोध, शंभु सरासनु तोरि सठ करसि हमार प्रबोध। बंधु कहै कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय करसि कर जोरे, करु परितोष मोर संग्रामा, नाहित छाड़ कहा उपरामा, छलु तज करहि समरु शिव द्रोही, बंधु सहित नत मारहु तोही, भृगुपति बकही कुठार उठाए, मन मुस्काही राम सिर नाए, गुनह लखन कर हम पर रोषु, कतहु सुधायुहु ते पड़ दोषु, टेढ़ जानी सब बंदई काहू, बक्र चंद्र मही ग्रसई नराहू, राम कहे उरी सतज यमुनीसा, कर कुठारु आगे यह सीसा, जेहि रिस जाई करिय सोई स्वामी, जानिय आपन अनुगामी। प्रभु ही सेवक ही समरु कस, तजहु पेप्रबर रोसु, बेशु बिलोके कहसि कछु, बालक हू नहीं दोसु। देखि कुठार बाण धनु धारे, भलर कहिर सबीरु बिचारी, नाम जान पर तुम ही न चीना, वंश सुभाय उतरु ते ही चीना, जो तुम औते हु मुनि की नाई, पद रज सिर से सुधरत को साई, क्षमहु चूक अनजानत केरी, चहिय विप्रपुर कृपा घनेरी,
हम ही तुम ही सरी बरी कसीना था, कहूँ न कहाँ चरण कहाँ माथा, राम मात्र लघु नाम हमारा, परसु सहित बड़ नाम तुहारा। देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे, सब प्रकार हम तुम्ह संहारे, क्षमहु विप्र अपराध हमारे। बार बार मुनि विप्रबर कहा राम सन राम, बोले भृगुपति सरुष हसी, तहू बंधु सम बाम। निपट ही द्विज करी जान ही मोही, मैं जस विप्र सुनावूं तो ही, चाप श्रुवासर आहुति जानू, कोपु मोर अति घोर कृसानु। समिधि सेन चतुरंग सुहाई, महामहीप भय पशु आई, मैं एही परसु काटी बलि दीने, समर यज्ञ जप कोटि न कीने। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोलसि निदर विप्र के ओरे, भंजे उचापु दापु बड़ बाढ़ा, अहमिति मनहु जीति जगु खाढ़ा। राम कहा मुनि कहु विचारी, रिस अति बड़े लघु चूक हमारी, छुवत ही टूट पिनाक पुराना, मैं कही है तू करो अभिमाना। जो हम निद रही विप्रबदी, सत्य सुनहु भृगुनाथ, तो अस को जग सुभटु जेही भय बस नावही माथ। तनुज भूपति भट नाना, सम बल अधिक हो बलवाना, जौरन हम ही पचार को, लरही सुखेन कालु किन हो। क्षत्रिय तनु धर समर सकाना,
कुल कलंकुते ही पावर आना, कहौं सुभाउ न कुल ही प्रसंसी, कालहु डरहि न रन रघुबंसी। विप्रपंस कै असि प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हीं डेराई। सुनि मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उघरे पटल पर सुधरमति के। राम रमापति कर धनु लेहू, खेचहु मिटे मोर संदेहू। देत चापु आपु ही चली गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले बचन हृदयन प्रेमु अमात। जय रघुबंस बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृसानु। जय सुर विप्रधेनु हितकारी, जय मद मोह कोह भ्रमहारी। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचना अति नागर। सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। करौ काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहेऊ अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। कहि जय 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 रघुकुल के तू, रघुपति गए बनहि तप हे तू। अप भय कुटिल मही पुटराने, जह तह कायर गवही पराने। देवन दीन्ही दुंदुभी, प्रभु पर बरसहिं फूल। हर्षे पुर नर नारि सब, मिटि मोहमय सूल। अति गह गहे बाजने बाजे, सब ही मनोहर मंगल साजे। जूथ जूथ मिलि सुमुखि सुनयनी, करहि गान कल कोकिल बयनी। ए हा सुख विदेह कर बरनी न जाय, जन्म दरिद्र मनहु निधि पाय। विगत त्रास भईसीय सुखारी, जनु विधु उदय चकोर कुमारी।
जनक कीन्ह कौशिक ही प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भंजयु रामा। मोहि कृत कृत्य कीन्ह दू भाई, अब जो उचित सो कहिय गोसाई। कह मुनि सुनु नरनाथ प्रबीना, रहा विबाहु चाप आधीना। टूट तही धनु भय उबिबाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। तदपि जाय तुम्ह करहु अब, जथा बंस व्यवहारु। बुझि विप्र कुल वृत्त गुर, वेद विदित आचारु। दूत अवधपुर पठवहु जाई, आनहि नृप दशरथ ही बुलाई। मुदित राउ कही भले ही कृपाला, पठए दूत बोली तेहि काला। बहुरी महाजन सकल बुलाए, आई सबन्ही सादर सिर नाए। हाट बाट मंदिर सुर बासा, नगरु संवार हुचारी हूँ पासा। हर्षि चले निज निज गृह आए, पुनि परिचारक बोली पठाए। रचहु विचित्र वितान बनाई, सिर धरि बचन चले सचु पाई। पठे बोली गुनी तिन्ह नाना, जे बितान विधि कुशल सुजाना। विधि ही बंदी तिन्ह कीन्ह आरंभा, बिरचे कनक कदली के खंभा। हरित मनहिन के पत्र फल, पदुम राग के फूल। रचना देखी विचित्र अति, मनु विरंचि कर भूल। हरित मनिमय सब कीन्हे, सरल सपरब पर ही नहीं चीन्हे। कनक कलित अहि बेली बनाई, लखी नहीं परहि सपरन सुहाई। तेहि के रचि पछि बंध बनाए,
बिच बिच मुकुता दाम सुहाए मानिक मरकत कुलिस पिरोजा चीरी कोरी पछी रचे सरोजा किए भ्रंग बहुरंग विहंगा कुंजही पवन प्रसंगा सुर प्रतिमा खंभन गढ़ी काढ़ी मंगल द्रव्य लिए सब ठाड़ी चौके भांति अनेक पुराई सिंधुर मणिमय सहज सुहाई सौरभ पल्लव सुभग सुठी किए नीलमणि कोरी हेम बौर मरकत घवरी लसत पाट मय डोरी रचे रुचिर बर बंद निवारे मनहु मनोभव फंद सवारे मंगल कलश अनेक बनाए ध्वज पताक पट चमर सुहाए दीप मनोहर मनि मयनाना चाइन बरनी विचित्र बिताना जेही मंडप दुलहिनी बैदेही सोबर ने असीमति कवि केही दूलहु राम रूप गुण सागर सोबितानु तिहु लोक उजागर जनक भवन कै शोभा जैसी गृह गृह प्रतिपुर देखिय तैसी जही तरहुति तेहि समय निहारी तेहि लघु लगहि भुवन दसचारी जो संपदा नीच गृह सोहा सो बिलोकि सुर नायक मोहा रामचरितमानस सौजन्य से प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना। मंगा रहे वो ले ले जा रहे बड़े बहन जी हाँ हाँ उन्हें तो 15 मिनट से ऊपर हो गए